विधायक जी, आपने लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को पीएससी बटालियन के लिए कैराना में, कल घोषणा भी हो गई, मुख्यमंत्री जी आए थे। क्या लग रहा है अब किस तरीके से कैराना में शांति स्थापित होगी, क्या लग रहा है? शांति तो ये समझिए, जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी 2017 से, पहले दो दिन ही जैसे ही योगी जी का नाम घोषित हुआ था, तो दो दिन तक आपने नोटिस करोगे, पुराने समाचार पत्र उठा के देख लेना आप खुद के भी, कि पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम सन्नाटा था। और जिन लोगों के नंबर दो के धंधे थे, अवैध अतिक्रमण थे, वो बहुत से लोग तो खुद ब खुद उखाड़ के ले गए रात रात। तो शांति तो तब तक स्थापित हो गई थी, लेकिन उसे स्थायी रूप से वो बनी रहे और लोगों का व्यापार, लोगों का जीवन इसी तरह सुचारू रूप से चलता रहे, तो उस कारण से कैराना और कांधला के बीच में पीएससी बटालियन की स्थापना कराई गई थी। और मेरे लिए तो यही है कि बाबू हुकुम सिंह जी ने इसकी मांग उठाई थी, प्लान के विरुद्ध कैसे से रोका जाए। मैंने तो सिर्फ उनके सपने को सच करने के लिए, और मुझे भी लगा कि इसका यही मुझे एकमात्र रास्ता दिखाई देता था कि वहाँ परमानेंट, क्योंकि हम किसी शहर को उठाकर कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन उसी जगह व्यवस्था करनी थी, वहीं लोगों को रहना था। तो फिर ऐसी जगह चिन्हित किया गया कि 5 किलोमीटर कांधला, 5 किलोमीटर कैराना और 5 ही किलोमीटर गंगेरू, तीनों के बीच में बिल्कुल ऐसे स्थान पर बफेल शूटिंग रेंज है, वो अपनी गुज्जरपुर फतेहपुर में है। और जिस दिन से उसके स्थापना की घोषणा हुई, उस दिन से आज तक आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर ही कि वहाँ ज़मीनों के और मकानों के भाव 4, 6, 8 गुने तक पहुँच चुके हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि लोग अब वहाँ रहना चाहते हैं, मकान खरीदने का मन है, वरना लोगों ने अपने मकानों पर वाइट वॉश कराना, रिपेयर करना बंद कर दिया था। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं वहाँ के कांधला के, इनसे आप देखेंगे लोगों ने वहाँ अपने मकानों को इमन बना लिया था कि हमें छोड़ कर जाना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो उसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब पुनः लोग ज़मीनें खरीदने लगे, दोबारा से वहाँ का रोज़गार ऊँचाइयों की तरफ जा रहा है और लोग सुकून का जीवन जी रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी जी की सरकार आई है।